दिल्ली कैपिटल और राजस्थान रॉयल के बीच खेले गए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल ने जबरदस्त तरीके से मुकाबले को जीत लिया। आपको बता दें कि आईपीएल के 40वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल ने पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली कैपिटल को 192 रनों का लक्ष्य दिया। राजस्थान रॉयल ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 191 रन बनाए। राजस्थान रॉयल की तरफ से विस्फोटक बल्लेबाज अजिंक्य राणे ने एक बार फिर अपने बल्ले से चौको छक्कों की बरसात करते हुए 63 बॉलों पर 105 रन की जबरदस्त पारी खेली, जिसमें 11 चौके और 3 जबरदस्त छक्के लगाए। तो वहीं उनका साथ दे रहे स्वीट स्मिथ ने भी जबरदस्त पारी खेली और स्मिथ ने 8 चौकों की बदौलत 50 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। तो वहीं राजस्थान रॉयल्स की तरफ से स्टुअर्ट बिनी ने 13 रन की पारी खेलते हुए अपनी टीम का स्कोर 191 रन तक पहुंचाया। 192 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल ने जबरदस्त तरीके से मुकाबले को 6 विकेट से जीत लिया। आपको बता दें कि दिल्ली कैपिटल की ओर से पृथ्वी शो ने 4 चौकों और 1 छक्कों की बदौलत 42 रन बनाए। तो वहीं शिखर धवन ने 8 चौकों और 2 छक्कों की बदौलत 54 रन बनाए। दिल्ली कैपिटल की तरफ से बल्लेबाजी कर रहे ऋषभ पंत ने जबरदस्त पारी खेली और ऋषभ पंत ने 36 बॉलों पर 78 रन की तूफानी पारी खेलते हुए 6 चौके और 4 छक्कों की बदौलत मैच को 4 गेंद शेष रहते ही मैच जिता दिया। आपको अजिंक्य राणे और ऋषभ पंत में से कौन से बल्लेबाज की बल्लेबाजी ज़्यादा अच्छी लगी, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें।